यस टुडे आई एम गोइंग टू टेक, आज मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही उस पोर्शंस को हम कवर करेंगे जो एम्स में आया हुआ क्वेश्चन था। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था जो मैंने आपको कवर करके दिया था, आपने आराम से उसे बनाया भी, अब आपके सामने उसी पोर्शंस का एम्स के आया हुआ 25 साल के क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ पिछले सेट को और ये एम्स वाले इस सेट को आप अगर आप दोनों को मिला देते हैं तो आपका बेहतरीन तरीका से प्रिपरेशन हो जाएगा। बस उस चीज़ों को जो आपने बढ़िया से किया है उनका आप फेयर नोट्स बना लेंगे और उसी को बार बार रिवाइज करेंगे, ये हमारा बेस्ट आइडिया हो जाता है। हाँ, ये तय बात है कि जो आपने बेसिक पढ़ा था उसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। यहाँ आपका है न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका बहुत स्ट्रांग होता हुआ। चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं एम्स की प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस में करना, वन बाय वन चल। पहला पोजीशंस क्वेश्चंस में है हमारा, जो ये क्वेश्चंस आया हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के 2018 का आया हुआ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या कह रहा था, पॉजिटिव चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड। आप जरा ध्यान से देखिएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव चार्ज हैविंग रेडियस आर, टोटल चार्ज क्यू। कहता है इसके कुछ दूरी पर, एक्स डिस्टेंस पर, एक और चार्ज आपका रखा गया है, दैट इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज माइनस क्यू। और ये भी दिया हुआ है कि ये जो एक्स की पोजीशन है वेरी वेरी स्मॉलर देन रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द टाइम पीरियड। अब क्या कहता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, ये निगेटिव चार्ज है, क्या होगा, इसको अपनी ओर पुल करेगा, इसे आप मान के चलिए फिक्स्ड है, और इसे क्या करना है, चार्ज को फ्री कर देना है। इस पर एक फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कितना फोर्स लगेगा, क्यू इन टू ई। किधर लगेगा, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, अंदर की ओर खींचेगा। तो सबसे पहला काम आपका ये है, वॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग चार्ज एट ए गिवन पोजिशन एट ए डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू, हमने ये पढ़ रखा है 1/4 pi epsilon naught क्यू इन टू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड 3/2। ये आपने बढ़िया से पढ़ चुका है, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर आप x देख सकते हैं वेरी वेरी स्मॉल देन r, तो ये x इस r स्क्वायर के एडिशन में नेग्लिजिबल हो जाएगा, और r स्क्वायर का 3/2 लेंगे तो r क्यू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 1/4 pi epsilon qx/r³। ये किस केस के लिए हो गया, व्हेन x इज ए वेरी वेरी स्मॉलर देन r। नाउ व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव चार्ज, That is equal to Q into E. Force कितना होता है, Q into E. Q कितना है, माइनस माइनस Q. E आपका पूरा के पूरा ये हो गया 1/4 pi epsilon naught qx/r³। अब आप देखिए ये सारी चीज कॉन्स्टेंट है एक्सेप्ट x के, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस k into x, जहां k का वैल्यू क्या हो गया, ये पूरा टर्म सेटअप को लिख लीजिए QQ 4 pi epsilon naught r³। Now this force is directly proportional to negative of x. आपको अगर पुराना याद होगा mechanics का portion, जहां पर SHM पढ़ते थे, तो ये linear SHM का equation है. This is the linear SHM. अब आपके पास क्या है, f is directly proportional to minus x हो गया, SHM हो गया, तो SHM का वास्तविक equation था, याद कीजिए, minus kx, और वहां k का मतलब क्या होता था, m omega square x equation 2. तो ये दोनों मैच करेगा आपके पास, ये equations 1 मान लीजिए और ये 2 मान लीजिए, both are in SHM. तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, m omega square that must be equal to, आप मैच करा सकते हैं m omega square को, ये पूरे टर्म्स है q 4 pi epsilon naught q r q. इसलिए omega square कितना हो गया, आप आराम से निकाल सकते हैं, that is q into q 4 pi epsilon naught r q, और ये मास इस साइड आ जाएगा, और आप केवल ओमेगा निकालेंगे तो ये आ जाएगा। नाउ व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई एफ। व्हाट इज दिस ओमेगा इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, दिस इज इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1/2 pi q इंटू क्यू 4 पाई epsilon naught
आर क्यू इंटू एम अंडर रूट। अब आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द टाइम पीरियड, ऑप्शन भी है, मैं आपको ऑप्शन लिखा दूंगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो रेसिप्रोकल ले लीजिए, 2 पाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू एम डिवाइडेड बाई क्यू इंटू क्यू अंडर रूट। ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शंस में आपके पास जो दिया गया था, उस चार ऑप्शन से आप अगर मिला लेते हैं, आपके पास चारों ऑप्शंस दिया गया हुआ, तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट, ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस आपके सामने में दिया गया है, उससे आप मिला लीजिए। मैं प्रोजेक्ट करके आपको दिखा रहा हूं, बाद में आपके पास आ जाता है, इसलिए आप उससे मिला लीजिए। दिस इज द आंसर। हाँ, अगर हम इस 2 पाई को अंदर कर दें, अकॉर्डिंग टू द आंसर में अंदर करके दिखाया गया, तो ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम क्यू इंटू क्यू। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन में तो ऐसे ही दिया हुआ, इसलिए मैंने इसे अंदर कर दिया। दिस इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हो गया SHM का। चलिए, ये क्वेश्चन तो आपने बेहतर समझ लिया, और ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कंपिटेटिव एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आते हैं 2004 के लिए। 2004 के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यस, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ लिया अपने तरफ से। ये कहता है नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ड्रॉ करना है। तो व्हाट इज द बेसिक इक्वेशंस फॉर ई, आपको ये याद होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग। कहां पर के लिए ये फॉर्मूला है, व्हेन एक्स इज लेस देन आर, दैट इज इनसाइड ऑफ ए स्फीयर। आप अगर इनसाइड ऑफ द स्फीयर रहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, सपोज के लिए आप यहां पर आ गए, ये इसकी सेंटर है, ये डिस्टेंस x है। अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कीजिए, कैसा जाएगा, अकॉर्डिंगली E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि q 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू ये कॉस्ट है। तो ये कौन सा लाइन हो गया, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ये कैसा स्ट्रेट लाइन होगा, यहां पर आ जाइए, x इज इक्वल टू r, तो ये ऐसा करता हुआ है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये पोजिशन आपका एक्स का हो गया, यहां पर एक्स इज इक्वल टू आर। उसके बाद का क्या स्थिति होता है, तो सिंपल पॉइंट चार्ज के समान हो जाएगा, ई इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिखिए, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर या रेसिप्रोकल ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। व्हाट इज द ई मैक्सिमम, अगर आपसे पूछा तो दिस ई मैक्सिमम मस्ट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज आपके पास है और आपकी एक्सटर्नल रेडियस के बराबर। तो दिस इज द एक्सटर्नल। इस साइड भी अगर आप ले सकते हैं तो कैसा चला जाएगा, इस साइड भी लीजिएगा तो सेम टाइप का चला जाएगा, और ये ऐसे आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2010 में क्वेश्चन आया है, एम्स के ही 2010 में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्जेस क्यू एंड माइनस टू क्यू, आप भी अपने उस साइड देखिएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा वो, क्यू एंड माइनस टू क्यू आर प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट। कहता है ये कुछ एक डिस्टेंस अपार्ट है, लेट अस सपोज डी डिस्टेंस अपार्ट है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ क्यू इज ई, इसका नाम आप दे दीजिए ए और इसका नाम दे दीजिए बी। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू लोकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्यू लोकेशन इज ई, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू लोकेशन पर। तो किसके कारण होगा, माइनस टू क्यू के कारण, 2q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, ये ई लोकेशन पर किसके कारण, और ये वैल्यू कितना आएगा, ई आता है। और तो कहता है देन फाइंड द लोकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट माइनस टू क्यू, इस लोकेशन पर कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये किस लोकेशंस के लिए हो गया, ए लोकेशंस पर हो गया। अब बी लोकेशंस पर पूछ रहा है, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ, दिस इज ई। अब आप लेके चलिए, किसके कारण पूछ रहा है, हमने किसका लिया था पहले, इसके यहां, इसके कारण लिया था यहां पर, अब इसके कारण लेना है यहां पर, तो वो क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितना आएगा। तो आप इसकी वैल्यूज को यहां पर आप पुट कर सकते हैं, इसके लिए लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, इस पर अगर इस टर्म को हटा दें
तो यहां पर माइनस सी बाई टू हो जाएगा। आप इसकी सब्स्टिट्यूशन कीजिए या दोनों को डिवाइड कीजिए, जैसे डिवाइड कीजिएगा तो ई बी डिवाइडेड बाई ई ए इक्वल टू माइनस ई बाई टू। आप डिवाइड कीजिए क्यू बाई डी स्क्वायर, क्यू बाई डी स्क्वायर वन फोर पाई एप्सिलन माइनस टू, इसका इस साइड आ जाएगा माइनस सी बाई टू। तो दैट इज योर आंसर। चॉइस में आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? ए चॉइस इज द करेक्ट आंसर, ए चॉइस इज द करेक्ट आंसर। ये 2008 में आया आपके पास, एम्स के ही क्वेश्चन से 2008 में आया। क्या कहता है? चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए हाफ पोर्शन ऑफ द रिंग। तो दिस इज द रिंग विच इज ऑफकोर्स हाफ पोर्शन, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज की जो वैल्यूज है वो कह रहा है क्यू चार्ज है, दिस इज द क्यू चार्ज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और रेडियस इसका कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? आर है, ये भी दिया हुआ है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर किधर जाएगा? ये पोर्शन का इस साइड जाएगा, ये पोर्शन इस साइड जाएगा। रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज इक्वल टू व्हाट? तो आपके लिए फॉर्मूला मैंने कई बार बताया है, लैम्डा टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ओ ड्यू टू द हाफ रिंग। पूरे रिंग के लिए रहता है तो मैं आपको क्या दिखाता हूं ये भी याद रखिएगा, इक्वल टू लैम्डा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मैं आपको बताता हूं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये फॉर्मूला मैं आपको एक बार इंट्रोडक्टरी फॉर्मूलाज के क्लास में दिया था। यहाँ अल्फा का वैल्यू क्या है? 90 है, और ये बीटा का वैल्यू भी कितना है? 90 हो जाता है। जब आप इसके लेते हैं पूरा हाफ सर्किल है तो 90 प्लस 92 कटेगा, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब आपके लिए इसमें लैम्डा का वैल्यू क्या होता है? चार्ज, कितना चार्ज है? क्यू, और लेंथ कितना है? पाई आर। तो इस लैम्डा की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? क्यू पाई आर इंटू टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसका मतलब क्यू हो गया टू पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा आंसर इसमें करेक्ट आ जाएगा? यस, आंसर बी इज द करेक्ट। आप इससे बी चॉइस ले लीजिएगा, प्रोजेक्टेड आंसर में आप बी देखिए आ जाएगा, आप उसे टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के लिए, अगला क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं 2006 में पूछा गया, एम्स के ही 2006 में पूछा गया। यहां पर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रहा है। क्या कहता है? द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जेज ए एंड बी इज शोन इन ए फिगर, ए से बी तक में कुछ ऐसे करके दे रहा है। आप जरा ध्यान से देखिए इसे, ये ऐसे करके दिया, इसके बाद इधर आपके पास दे रहा है ऐसे करके, यस, और इस साइड आपके पास है, इस साइड ऐसे करके, ये फिगर दिया हुआ आपके पास है, आपके प्रोजेक्टेड स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, ये ऐसे करके दिया हुआ, दिस इज ए एंड बी। अब इसमें कुछ बातें पूछ रहा है जो आपको बताना पड़ेगा, इसमें आपको क्या क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से आपको बताना है कौन कौन से क्या होगा करेक्ट। आप बताइए ए और बी में कौन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अवे जाता है ये ऑटोमेटिक क्या हो गया कि ए इज ए पॉजिटिव, और जिसमें वापस आता है वो क्या हो जाता है? नेगेटिव आ गया। तो क्यू ए इज ए पॉजिटिव एंड क्यू बी इज द नेगेटिव। दूसरी बात है किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ये क्यू ए का ज्यादा होगा या क्यू बी का ज्यादा होगा? तो आप ये चेक कीजिए नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कितना निकल रहा है इसके पास, इसके पास अगर काउंट कीजिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें काउंट कीजिए 4 5 6 7 8, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 8, ऑब्वियसली 5/4। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्यू ए बाई क्यू बी इक्वल टू 5/4। तो कौन बड़ा हो गया? ऑब्वियसली क्यू ए इज ग्रेटर देन, हम लोग इसमें कह सकते हैं क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी। आप भी ध्यान से समझ लीजिए कि जिसके पास जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं उन दोनों चार्ज का रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इससे आपका एक आइडिया निकल जाता है। स्ट्रांगली आप इस क्वेश्चन को कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अगला क्वेश्चन है 2005 के लिए, इसे जरा सा देखिएगा 2005 के लिए, एम्स के 2005 है। क्या कहता है? टू इंफिनाइटली लाइन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स लॉन्ग है, टू इंफिनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स है। आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, दिस इज प्लेट ए एंड दिस इज द प्लेट बी। दोनों के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, दिस इज द पॉजिटिवली सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज द निगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है।
and they are at a small separation, d is small. This is again given in the question. ये भी दिया हुआ है. तो पूछता है द मीडियम बिटवीन द प्लेट इज ए वैक्यूम. ये भी क्या है, यहां भी आपको एकदम क्लियर कर दिया गया, दिस इज द वैक्यूम. ठीक है. अब आपसे पूछता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन बिटवीन द प्लेट्स इज. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ऑप्शंस में, आप जरा देखिए. एक प्लेट के लिए क्या होगा, इस प्लेट के लिए पॉजिटिव सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ये भी क्या जा रहा है, इसके लिए भी निगेटिव. दोनों का डायरेक्शन चेक कीजिए, दोनों का ये पॉजिटिव है तो अब क्या, ये निगेटिव है तो टूवर्ड्स आ रहा है और इसकी भी वैल्यू हो गया. इसलिए दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, वेरी सिंपल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फाइनल आंसर सिग्मा. और हाँ, इसके लिए हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू द प्लेट. तो दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई रिजल्टेंट किसमें, इन स्पेस में. तो उसके ऑप्शंस के मुताबिक जो ऑप्शंस दिया गया हो रहा है वो सी इज द करेक्ट आंसर. आंसर सी को टिक लगा दीजिए. ओवर. नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स 13 में पूछना गया ये. इस बात को देखिए, कहता है थ्री चार्जेस Q1 माइनस Q1 ऐसे देखिए, एक गॉसियन सरफेस टाइप का हो गया और इसके अंदर में कुछ चार्जेस हैं. दिस इज Q1 एंड माइ Q1 दिया हुआ है, Q1 एंड माइनस Q1 है. ओके, मे बी प्लस Q1 माइनस Q1 देख लीजिएगा आप लोग जो भी रहे. और एक यहां पर Q2 है, इसको भी प्लस ही ले लीजिए. Q1 एंड Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एज शोन इन ए फिगर. इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एस ए. यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके कारण होगा, इस चार्ज के कारण, इसको अगर माइनस भी मान लीजिए, इसके कारण होगा, इसके कारण होगा या इसके कारण होगा, तीनों के कारण में से पूछता है. थ्री चार्जेस Q1 माइनस Q1 एंड Q2 आर प्लेस एज शोन इन ए फिगर. S इज द गॉसियन सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट एस ई. इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, तो जानकारी रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जितने भी चार्ज प्रेजेंट होते हैं नियर बाई सबके कारण होता है. और अगर फ्लक्स पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके कारण हो गया, तो सिर्फ इंक्लोज्ड के कारण होता है. तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण हो गया, ड्यू टू ऑल चार्जेस, ऑल चार्जेस. तो आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकालना हो किसके कारण होगा, ड्यू टू ऑल चार्जेस. और अगर फ्लक्स निकालना होगा तो ड्यू टू इनक्लोज चार्जेस. तो इसके आंसर में आपके पास डी आंसर करेक्ट आप लगा दीजिएगा ऑप्शन के मुताबिक. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2008. ये कहता है ए हॉलो सिलेंडर हैज ए चार्ज क्यू विद इन इट. तो आप एक हॉलो सिलेंडर ले लीजिए, इसके अंदर में एक चार्ज प्लस क्यू है, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है. इफ फाई इज ए फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस. तो फाई क्या कहता है, फ्लक्स है. कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. किसके थ्रू, कर्व सरफेस. कर्व सरफेस कौन सा है, ये वाला कर्व सरफेस है. इस सरफेस को क्या कहेंगे, फ्लैट. इस सरफेस को भी क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड फ्लैट. ये दोनों फ्लैट है और बीच का पोर्शन कर्व हो गया. एसोसिएटेड विथ ए बी द फ्लक्स लिंक विथ ए. आपने इसको ए मान लिया, इस फ्लैट सरफेस को ए मान लिया, इस सरफेस को बी मान लिया, एक कर्व सरफेस है. इसमें पूछता क्या है, इफ फाई इज द फ्लक्स इन ए यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विथ ए कर्व सरफेस बी. कर्व सरफेस बी देन फ्लक्स. अच्छा, कर्व सरफेस को बी लेना, ये वाले को बी लेना, कर्व सरफेस बी हो गया. देन द फ्लक्स लिंक विद ए सरफेस ए कितना होगा, ए कितना होगा. मतलब क्या दिया हुआ है कि बी का फ्लक्स को अगर फाइव मान लें तो ए का फ्लक्स कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है. आपको याद होगा गॉसियन सरफेस में फ्लक्स टोटल कितना होता है, गॉस लॉ क्या कहता था, क्यू इनक्लोजर बाई एप्सिलॉन नॉट. यहां क्यू इनक्लोजर में कौन कौन हो जाएगा, एक कर्व हो गया फाई कर्व प्लस ये फ्लक्स ए पर भी होगा और ये फ्लक्स बी पर भी होगा. और ये दोनों बराबर है तो हम फ्लक्स ए कर सकते हैं, क्योंकि ए और ये दोनों बराबर, इसलिए हम 2a कर दिया. दिस मस्ट बी इक्वल टू क्यू इनक्लोजर बाई एप्सिलॉन नॉट. इसलिए फ्लक्स ए जो पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा, क्यू एप्सिलॉन नॉट माइनस कर्व सरफेस का कितना दिया हुआ आपके पास, फाइव दिया हुआ. एक मिनट, तो फाइव उस साइड आ जाएगा, माइनस फाइव और इससे डिवाइड कर देंगे 2 से. दैट इज योर आंसर. आपसे क्या पूछ रहा था, व्हाट इज फ्लक्स थ्रू ए. हमने क्या बताया, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस प्लस ट्वाइस द फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस मस्ट बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. एक फ्लैट ये, एक फ्लैट ये, एक कर्व. इसलिए फाइव ये पूछ रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन फ्लक्स कर्व दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
उस साइड चला गया, टू डिवाइड हो गया, दैट इज द आंसर. सो आपका ऑप्शंस में अगर आप चले जाइएगा तो ए इज द करेक्ट आंसर. प्रोजेक्टेड क्वेश्चन है वहां से उठाइए, ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 2011 का क्वेश्चन है, इस पर जरा फोकस कीजिए. कहता है चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट्स ए एंड बी. ये फिगर दिया हुआ है, आप फिगर को उतार लीजिए. ये फिगर है, ऐसे है, ये एक सेमी सर्कल टाइप का बना हुआ है, ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट का नाम बी दिया गया है, ये डिस्टेंस एल है, ये एल है, एंड दिस फर्दर इज ए एल, हियर इट इज ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, दिस इज द क्यू चार्ज जो मूवेबल चार्ज है, एंड दिस इज अ माइनस क्यू, और इस पॉइंट का नाम डी है. यस, इसमें क्या पूछता है, चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी. इस पॉइंट का नाम ए दिया गया है, इस पॉइंट का नाम बी दिया गया है, चार्जेस फिक्स हो गया, इस पॉइंट का नाम सी दिया गया हुआ. चलिए आगे बढ़ते हुए, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली है, विच आर एट ए डिस्टेंस 12 अपार्ट. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए और बी के बीच में, ये भी एल है और ये भी एल है, 12 अपार्ट है. सी इज द मिड पॉइंट, सी इज द मिड पॉइंट है, ए और बी का बीच का मिड पॉइंट है. द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू अलोंग द सेमी, मतलब क्या है, इस चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा. नाउ वर्क डन क्या होता है, याद रखना है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल. तो फाइनल का कितना हो जाएगा, आप पहले निकाल लीजिए और इनिशियल का निकाल लीजिए, यू फाइनल और यू इनिशियल, आपके पास कितना हो जाएगा, यू फाइनल, फाइनल का मतलब है यहां पर का चार्ज. ये देखिए एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, ये चार्ज कहां पर आ गया आपका, ये पॉइंट आ गया, तो तीन चार्ज हो गया, एक दो और तीन. यू फाइनल आप निकालिए, कैलकुलेट क्या कीजिएगा, 1/4 pi epsilon naught, पहले इसके और इसके बीच का निकाल लीजिए, ये चार्ज क्यों यहां पर आ गया फाइनल, इसका इसका कितना हो जाएगा, माइनस क्यू, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्यू इंटू क्यू, माइनस क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ये लेंथ कितना है, एल, क्लियर हो गया. दूसरी बात ये है कि किसके एनर्जी लेना, अब यहाँ और इसके बीच में कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास प्लस 1/4 pi से बाहर ले चुके हैं, ये क्यू है और माइनस क्यू है, तो क्यू माइनस क्यू, यहाँ पर आप देखिए इसमें वाले में हम लोग इसका और इसका लिए थे, एक बड़ा क्यू कर देना था आपके पास, चलिए ठीक हो गया, एक ये छोटा और ये छोटा, माइनस क्यू हो गया, डिवाइडेड बाई कौन सा आपके पास लेना है, इन दोनों के बीच की दूरी कहां से कहां तक है, एक ये चार्ज हो गया, एक ये चार्ज हो गया, ये और ये का निकाल लिया, अब ये और ये के बीच में, तो ये 12 हो जाएगा. फिर से देख लीजिए एक बार, हमने क्या क्या लिया, इसमें क्या आपको करना था, चॉइस में भी आपके पास हो जाएगा, एक फाइनल एनर्जी लेना है, एक इनिशियल एनर्जी लेना है. इनिशियल एनर्जी किसके किसके बीच में, आपका ये सेटअप देखिए, ये चार्ज यहां पर आ गया, एक लेंगे Q और ये Q लेंगे, और दूसरा लेंगे ये Q और ये Q, तो इसको भी हम लोग कर लीजिए, प्लस Q है और एक ये कैपिटल Q है, इसको कैपिटल Q कर लीजिएगा. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक ना हो जाए हमसे भी. मेरा कहना था इसके और इसके बीच है, तो माइनस Q, Q और L, बिल्कुल अब इसके और इसके दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, और एक ये और ये डिस्टेंस के बीच में वो 3L हो जाएगा. ये देखिए मिस्टेक पकड़ा गया, ये L L है और ये भी L है, 3L. अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड यू गेट द आंसर्स. आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4 pi epsilon naught, Q और Q को यहाँ पर से कॉमन उठा लीजिए, Q और Q दोनों कॉमन आ गया, टेक द LCM 3L हो गया, L से L कटेगा तो ये -3 हो गया और यहाँ पर +1 हो गया, तो दैट इज द आंसर. यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 और ये कट जाएगा, तो क्यू क्यू बाई 3 to the power 6 हो जाएगा पाई एप्सिलन नॉट एल, और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो दैट इज द वर्क डन. यही आपका आंसर आ गया. हमने क्या किया एक बार फिर से देख लीजिए, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अभी का पोटेंशियल एनर्जी कितना था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपने घटाया नहीं, तो व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, आप इसको भी लिख लीजिए. आप ध्यान से देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, कहां कहां पर चार्ज है, एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, सॉरी यहां पर चार्ज है आपके पास, इसका और इसका लेते हैं और इसका और इसका लेते हैं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसका और इसका क्या हो गया, 1/4 pi epsilon naught, ये Q और ये Q, Q Q और डिवाइडेड बाई L, फिर एक बार इसका और इसका लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, Q Q बाई L, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 था, इसलिए इनिशियल को 0 से घटा भी दिए तो मेरे पास आंसर यही आ गया. चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 2010,
कहता है इज इट पॉसिबल टू हैव, वहां पर से क्वेश्चन देखिए, इज इट पॉसिबल टू हैव पॉजिटिव चार्ज बॉडी एट जीरो पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, ऑल ऑफ दिस. क्या कहता है, इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी जीरो पोटेंशियल पर भी हो जाए, निगेटिव पोटेंशियल पर, पॉजिटिव पोटेंशियल, या ऑल ऑफ दिस. इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस. पूछिए कैसे हो जाएगा, एक पॉजिटिव बॉडी है तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी, आपका रेफरेंस क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है. सपोज कीजिए कि आपको ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और आपको निगेटिव लाना है, अगर आपके पास जो दूसरा रेफरेंस पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होगा तो ये पोटेंशियल ऑलरेडी क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल पर, दैट इज ए निगेटिव. अगर आपका वो जीरो पर होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा. तो इसका कहने का मतलब हुआ कि रेफरेंस पॉइंट के पोटेंशियल पर द गिवन बॉडी का पोटेंशियल डिपेंड करता है, और रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, इसलिए बॉडी का पोटेंशियल भी कुछ भी हो सकता है. इसलिए आंसर डी इज करेक्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का, ये भी क्वेश्चन है, संयोग है दोनों का, एक ही क्वेश्चन आ रहा है. ये क्या कहता है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट टूवर्ड्स एन अनदर इलेक्ट्रॉन. ये भी देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है जो फिक्स्ड है, और इसी इलेक्ट्रॉन के साथ एक दूसरा इलेक्ट्रॉन को भी मूव किया जाता है इस साइड में. तो क्वेश्चन आता है कि डज द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम. क्या हो सकता है, आप देखिए जब आप इसको इधर ला रहे हैं, ये भी निगेटिव है, निगेटिव है, तो वर्क डन करना क्या पड़ेगा, आपको ताकत लगेगा, आपके पास कुछ एनर्जी की जरूरत है. वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क डन एक्सटर्नल सोर्स आपके पास क्या हो जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू पॉजिटिव. इसलिए आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा. जब आपने पॉजिटिव वर्क डन किया, इसको यहां से यहां तक लाने में आपको एग्जर्ट करना पड़ा, ताकत लगाना पड़ा, इसका मतलब हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. नेक्स्ट आंसर, यस 2010, एक और क्वेश्चन एम्स के लिए. कहता है, आपके सामने भी क्वेश्चन है, आप भी पढ़िए. ए बॉल ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज 10^-8 कूलम मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट ए वेयर द पोटेंशियल इज 600 वोल्ट. यहां पर पोटेंशियल 600 वोल्ट है, और यहां से एक बॉल को मूव करना है, इसकी मास दिया हुआ है, इसकी चार्ज दिया हुआ है, और इसकी पोटेंशियल भी दिया हुआ है, टू ए पॉइंट बी. ए से वो बी तक आ जाता है, ये ए से बी तक आ जाता है, वेयर पोटेंशियल इज जीरो. यहां का पोटेंशियल भी ले लें, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल. उस जगह का पोटेंशियल भी कैपिटल जीरो है. वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट पॉइंट बी, यहां का वेलोसिटी दिया हुआ है, दिस इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एट ए, यहां पर का वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है. क्या सिंपल क्वेश्चन से आपका लॉजिक क्या होगा, यहां पर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाने में वर्क इज डन ऑन द बॉल, और वर्क डन कितना हो जाता है, वर्क डन कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा. वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल. क्लियर बात हो गया. चार्ज कितना है आपका, यहां पर दिया हुआ चार्ज की वैल्यू, आप चार्ज को पुट कर दीजिए, क्यू इज गिवन, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहां पर पोटेंशियल से 600 वोल्ट, और यहां का पोटेंशियल है जीरो, आप इसको नोट कर लीजिए. तो दैट इज क्यू इंटू 600, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है. दिस वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, क्यू इंटू 600. दिस इज द वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. यहां फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, ये देखिए 20, मास दिया हुआ है, ये मास दिया हुआ है, यही ये क्यू दिया हुआ है, और ये 600 दिया हुआ. आप इसको जब कैलकुलेट करते हैं, तो मैं कैलकुलेट किया, तो इसकी वेलोसिटी आ गई हमारे पास 22.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये आप कैलकुलेट कीजिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन से. ओवर 2007, ये क्वेश्चन सर कहता है इन ए फिगर, कुछ ये फिगर दिया हुआ है, इन ए फिगर प्रोटॉन मूव्स ए डिस्टेंस डी इन ए यूनिफॉर्म फील्ड एज शोन इन ए फिगर. तो ये प्रोटॉन्स है, यहां तक डी डिस्टेंस मूव करता है, यहां से यहां तक डी डिस्टेंस मूव एज शोन इन ए फिगर. डज द इलेक्ट्रिक फील्ड डू पॉजिटिव और निगेटिव वर्क ऑन द प्रोटॉन. क्या वो पॉजिटिव वर्क डन करेगा या निगेटिव वर्क डन करेगा, आप ये देखिए, मूव इस साइड कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या मूवमेंट का डायरेक्शन. तो इसका मतलब ये हो गया, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इस साइड लगेगा, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई पर.
और ये बॉडी जा किस साइड रहा है, इस साइड, प्रोटॉन किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन आगे और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का डायरेक्शन पीछे और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आगे, तो वर्क डन हम लोग क्या जानते हैं, दैट इज एफ डी कॉस थीटा, यहां थीटा का वैल्यू 180 डिग्री एंड देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू नेगेटिव। डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन इंक्रीज और डिक्रीज, आपका क्या लगता है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा, आप देख सकते हैं कि इस जगह से इस साइड जा रहा, आपको एक ताकत लगाना पड़ रहा है, इट मीन सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी डन एक्सटर्नल के द्वारा जर्क करेगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है विदाउट एनी कैलकुलेशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, निगेटिव है और इंक्रीजेस है, चॉइस ए इज द करेक्ट, आप उसमें से चॉइस ए को करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ये क्वेश्चन 2018 में आया, क्या कहता है, एक डिस्क दिया हुआ है, आप सामने बोर्ड पर देखिए प्रोजेक्टेड है, एक डिस्क है, डिस्क की रेडियस कुछ भी रेडियस ले लेंगे हम लोग, आर रेडियस ले सकते हैं, इस रेडियस से मान लीजिए कैपिटल आर है, वैल्यूज इसका दिया रहेगा, नॉन कंडक्टिंग है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ इस क्वेश्चन में 10 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, रेडियस इसका कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, क्या कहता है, इसका कहता है कि एक्सियल पोजीशन एक्स पर कितना दूरी पर कहता है 2 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पी कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट एक्सियल पोजीशन पर है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने आपके फॉर्मूला में भी दिखाया था, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा क्या होगा मैं वहां भी बताया था आपको, ये थीटा वैल्यू होती है, सिग्मा आपको दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.854 × 10⁻¹² SI unit है, तो सिग्मा दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, और कॉस थीटा के जगह पर आप क्या लिखिएगा, यहां पर से आ जाइए 1 cos θ, ये ले लीजिए, ये एक्स हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो दैट इज कॉस थीटा बी दैट इज 2, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर, एक्स का वैल्यू आर का वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है, इन सब को जब आप पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाता है 251.2 newton per coulomb, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम एसआई यूनिट में, तो इसके मुताबिक चार्ज के मुताबिक आपके पास सी इज द करेक्ट आंसर, आप अपने ऑप्शंस में जाइए सी, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डिस्क है, डिस्क का सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट इज ऑल टाइम गिवन और कॉस थीटा डिफाइंड है, एक्स भी दिया हुआ और आर भी दिया हुआ, इस एटम के मॉडल में एक सेंट्रल पोर्शन जेडी है, न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, जेडी पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल भी है और इसकी रेडियस आर है, तो यहां पर क्या होगा, कोई भी चीज न्यूट्रल है तो बताइए आप लोग क्या होगा, सारा इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके स्पेस में, और ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन कितना निगेटिव चार्ज होगा, ई निगेटिव कितना हो जाएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस जेडी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एटम है न्यूट्रल है, न्यूक्लियस में प्लस जेडी है तो बाहर में कितना होगा माइनस जेडी, और ये पूरे एटम में ही इलेक्ट्रॉन फैला हुआ, यस इसमें आपसे क्या पूछता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, यहां पर पूछता है अंदर में जब x इज लेस देन r तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस जगह पर हमने आपको घेर दिया, यहां पर इन साइड द एटम व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन साइड ऑफ द इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया, यहां पर गॉस लॉ लगाइए, गॉस लॉ आप गॉस लॉ के बारे में क्या जानते हैं, e डॉट a इक्वल टू q इनक्लोजर बाई एप्सिलॉन नॉट e, यही तो निकालना है, a कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 πx² क्योंकि इस डिस्टेंस को हम x माने, व्हाट इज द इनक्लोजर चार्ज कितना होगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट, कितना चार्ज होगा, जेडी तो पॉजिटिव है तो जेडी तो होगा ही, अब प्लस उसमें से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को घटाना पड़ेगा, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज, आप ध्यान से देखिए यही इंपॉर्टेंट चार्ज है, आपको मैं यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं, ये देखिए जब पाई आर क्यू 4/3 πr³ है, 4/3 πr³ है, तब आपके पास कितना निगेटिव चार्ज है, जेडी, इसलिए अगर एक वॉल्यूम में कहेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस जेडी 4/3 πr³, अगर हम आपसे ये कहें कि 4/3 π और अगर x के जगह पर ना मानते इसको r ले लें, क्योंकि आपको आंसर में r दिया हुआ है, r, तो r पर कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका माइनस जेडी
4 by 3 pi r cube, यूनिटरी मेथड का प्रयोग कीजिए, इसे भी कट दीजिए 4 by 3 pi r cube, 4 by 3 pi कट गया तो माइनस jd r cube by r cube, ये चार्ज नेगेटिव आ गया, इससे टोटल चार्ज इंक्लोजर में कितना हो गया, jd हो गया और माइनस ये वाला चार्ज हो गया, ये चार्ज कितना हो गया, jd r cube divided by r cube, दोनों डिवाइडेड बाई क्या कहता है, इप्सिलन नॉट, आप इप्सिलन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपको आंसर में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आर स्क्वायर से दोनों को डिवाइड करेंगे, लेकिन पहले 4 पाई इप्सिलन नॉट, इसको तो हम लोग कर लिए, जेडी भी बाहर निकाल लीजिए, जेडी भी, अब क्या बचेगा, आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई आर स्क्वायर और यह आर बाई क्या हो जाएगा, आर क्यू, तो दैट इज योर आंसर, इसमें ऑप्शन भी है, जेडी 4 पाई इप्सिलन 1 बाई आर, इज करेक्ट आंसर सर, तो ये आंसर कौन सा इसमें आया है, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, आपके चॉइस से चले जाइए, ए आंसर पर्टिकुलर आया, लॉजिक समझ में आ गया, कि अरे भाई ये एटम है तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज, तो कितना निगेटिव चार्ज इस जो गॉसियन सरफेस के अंदर बंद हुआ हमने यहां से निकाल लिया, पूरे वॉल्यूम में जेडी है, आप इस न्यूक्लियस के साइड को छोड़ दीजिए तब आपके पास हो गया पूरे वॉल्यूम में माइनस जेडी है, एक वॉल्यूम में इतना, इसलिए रिमेनिंग वॉल्यूम में इतना चार्ज, प्लस पहले से था और ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण, नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 एम्स के क्वेश्चन सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास है, कहता है बॉक्स है, आप देखिए फिगर दो बॉक्स टाइप का दिया हुआ है, आपके पास प्रोजेक्टेड है, हमारे पास हैंड में है, वहां पर आपको बाद में मिल जाएगा, मेरे पास क्या दे रहा है कि ये प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर एक दूसरा चार्ज है, स्मॉल चार्ज है माइनस क्यू, यहां भी वही सिस्टम है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, एक ये वाला बड़ा चार्ज है, ये भी चार्ज है माइनस क्यू, दोनों में जरा सा ध्यान, इसका बड़ा चार्ज है माइनस क्यू, तो यहां पर ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये बिगर चार्ज है, दिस इज ए बिगर एंड दिस इज ए स्मॉलर है, वो भी बिगर है वो स्मॉलर है, फिगर ए है और फिगर बी है, इसमें पूछता ऑप्शन में, इसमें आपको ये बताना है कि माइनस क्यू कौन सा स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है या इसमें से कोई भी नहीं है, जैसे आप बताते हैं, हम मान लीजिए इसको पहले ऐसे समझाते हैं, इसको पहले ऐसे समझिए, एक आपके पास छोटा सा बॉल टाइप का है और यहां पर आप एक बॉल को रखते हैं, ठीक है, ये बॉल को आप पहले यहां पर था, बॉल को डिस्प्लेस कीजिए यहां पर, ये बॉल घूम के कहां चलाएगा, एक बार यहां जाएगा, एक बार यहां जाएगा, फिर बॉल यहीं पर आ जाएगा, तो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पर आ जाए और जो स्टेबिलिटी को अपना यहीं पर बना, आपको यहां से डिस्टर्ब कीजिए, यहां ला के छोड़ दीजिए, बॉल थोड़ा देर ऐसे ऐसे करेगा फिर बॉल यहीं पर आ जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैकेनिक से मैं समझा रहा हूं, एक बॉल को ऐसे रखिए ऊपर रख दीजिए, अभी ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कीजिएगा तो ये बॉल हट जाएगा और फिर अपनी पोजिशन पर कभी नहीं आएगा, तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन यह कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक बॉल ऐसे देखिए प्लेन टेबल पर रखा हुआ, बॉल को आप डिस्प्लेस कीजिए, जितना पोटेंशियल एनर्जी अभी है उतना ही अभी भी रहेगा, लेकिन अपनी पोजीशन पर कभी नहीं आएगा, उस केस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है लेकिन न्यूट्रल, ये अनस्टेबल, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, अब आप समझ गए होंगे कि तीनों में क्या होता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा यहां पर आके तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल एनर्जी, अपनी पोजीशन को पुनः प्राप्त कर लेगा, ये अपनी पोजीशन को प्राप्त नहीं करेगा और एक ये नया पोजीशन को प्राप्त कर लेगा, अब इसमें आइए, सपोज कीजिए माइनस क्यू को आप थोड़ा ऊपर की ओर ले जाते हैं, क्या करेगा ये, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, किसके किसके इक्विलिब्रियम में है, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटी लग रहा है, एक फोर्स कौन सा लग रहा है, एफ ई लग रहा है इलेक्ट्रिक, तो दो फोर्स के कारण इक्विलिब्रियम में, सपोज कीजिए मान लीजिए इसको आप थोड़ा ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कमेगा, बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जाके सट जाएगा, तो पूरा वहां पर आएगा नहीं आएगा, आप इसको दूर कर दीजिए क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाएगा एमजी से तो नीचे गिर जाएगा, तो ये तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, इस जगह पर आइए, आप अगर इस क्यू को माइनस को थोड़ा ऊपर करते हैं तो क्या होगा, आप ध्यान दीजिए ऊपर कीजिएगा डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कौन सा फोर्स घट जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाएगा ऊपर करने पर, और एमजी तो उतना ही रहेगा, तो नतीजा क्या होगा, उसको फिर घींच के वहीं पर ले आएगा, सपोज कीजिए इसको आप थोड़ा नीचे कर दीजिए क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निगेटिव और निगेटिव के कारण बढ़ जाएगा, तो क्या करेगा, ग्रेविटी फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक बढ़ जाएगा, ग्रेविटी से इलेक्ट्रोस्टैटिक बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिर इसको ऊपर कर देगा, फिर एक बार ध्यान दीजिए इसको आप जैसे यहां पर लाते हैं तो ग्रेविटी तो उतना ही रह गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक बढ़ गया तो इसको क्या करेगा, ठेल के ऊपर कर देगा, मतलब है ना तो आप इसको नीचे ला सकते हैं ना तो ऊपर ला सकते हैं, इसी जगह पर आके वो रुक जाएगा, अगर आप इसको ऊपर ले आते हैं तो भी नीचे चले आएगा, नीचे चले आते हैं तो भी वहीं पर चले आएगा, इसलिए इसी पोजिशन को हम लोग क्या कहेंगे,
स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कॉन्सेप्ट है मैकेनिक का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके मुताबिक इसमें आंसर कौन सा हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। सी आंसर में क्या कहता है, इन फिगर क्यू माइनस क्यू इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम, फिगर टू में माइनस क्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मेटेलिक कंडक्टिंग स्फीयर था, जरा इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें फोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको प्लॉट किया, एक ऐसे ले गया, एक ऐसे करके ले गया, एक ऐसे करके ले गया और एक ऐसे करके। आपसे पूछता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पूछता है इसमें कौन सा सही होगा, नाम भी दिया हुआ 1 2 3 4। आप जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है मेटेलिक सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर पास द कंडक्टिंग बॉडी, तो ये तो गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर पास द कंडक्टिंग बॉडी, ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर पास द कंडक्टिंग बॉडी, ये भी गलत हो गया और ये सही हो गया। ऐसे आया, ये वाला टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो ये एंगल कितना होना चाहिए, क्योंकि ये कंडक्टिंग बॉडी क्या होता है, इक्विपोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसके ऊपर 90 डिग्री कोण बनाएगा, और इसीलिए यहां से भी ये 90 बना रहा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब हो गया 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में चले जाइए, डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी सिंपल। अगर ये ऐसे करके देता, अगर हम मान लीजिए इसको मिटा के देते तो ये करेक्ट हो जाता, क्योंकि अंदर तो नहीं था और ये परपेंडिकुलर भी है, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है, ऐसे करके दिया हुआ, तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, 2015 का क्वेश्चन सर, एम्स के लिए। इन ए सर्टेन रीजन ऑफ, आपका स्पेसिंग्स दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिया हुआ है, जेड डायरेक्शन से, ये जेड ले लीजिए, तो ये जेड पॉजिटिव हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, जेड निगेटिव हो जाएगा, जेड डायरेक्शन। थ्रू आउट सर्टेन रीजन स्पेसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन थ्रू आउट, द मैग्नीट्यूड ई इज नॉट कॉन्स्टेंट, ये क्या कहता है, मैग्नीट्यूड नॉट कॉन्स्टेंट है, एक समान नहीं है, बट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इंक्रीजेज दिस वे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या कहता है, इस वे बढ़ रहा है, अलोंग द जेड पॉजिटिव डायरेक्शन एट ए रेट, ये क्या रेट से बढ़ रहा है, दैट इज डी ई पर मीटर के हिसाब से दे रहा है, डिस्टेंस डी एक्स ले लीजिए इज इक्वल टू 10^5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ है, 10^5 न्यूटन दिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर बढ़ रहा है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सिस्टम हैविंग ए टोटल डाइपोल मोमेंट, एक डाइपोल मोमेंट पी भी दिया हुआ है, कितना है, 10^-7 कूलम मीटर, डाइपोल है, पी इक्वल टू डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दिस रीजन, निगेटिव डायरेक्शन है, ये किस दिशा में डायरेक्शन लग रहा है, इसमें दिया हुआ है एक्सपीरियंसड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द हैविंग टोटल डाइपोल इक्वल 10^7 इन दिस निगेटिव जेड, फोर्स किधर लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, दिस इज द फोर्स, किस पर लग रहा है, डाइपोल पर, फोर्स डाइपोल पर है, तो कैसा बनेगा आप जरा देख लीजिए, एक डाइपोल को यहां ले लीजिए, सपोज ये निगेटिव ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, निगेटिव पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है ऐसे, तो फोर्स किधर लगेगा, ऐसे लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू, और यहां पर का मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू ले लीजिए, यहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन ले लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको किधर फोर्स लगाएगा, ऊपर करेगा, तो यहां पर का फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई वन, किधर लगेगा, ऊपर, ये फोर्स लगेगा नीचे, कौन फोर्स जाता है, एफ टू इज ग्रेटर देन एफ वन, क्यों एफ टू ग्रेटर होगा, बच्चे लोग आप समझ लीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ई टू इज ग्रेटर देन ई वन, अगर यहां का ज्यादा और चार्ज दोनों का सेम है और फोर्स का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि ई टू पर ज्यादा है इसलिए ये फोर्स इधर लगेगा ये कम लगेगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, व्हाट इज द नेट फोर्स, क्यू चार्ज कॉमन ले लीजिए, ई टू माइनस ई वन, और किधर लगेगा, दैट इज इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसको डेल्टा ई, किस साइड लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब आपसे पूछ रहा है कि ये फोर्स कितना लगेगा, इसके निकालने के लिए आप एक काम कीजिए, क्यू को डी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको डेल्टा ई को डी से आप डिवाइड, तो Q इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया, P और डेल्टा E बाई डेल्टा D आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ इक्वल टू 10^5 और यहां पर P का वैल्यू आपको दिया हुआ है, P का वैल्यू है 10^7 इंटू 10^5, तो ये वैल्यू आ गया 10^-2 न्यूटन, तो ये फोर्स इस पर इतना लगेगा 10^-2 न्यूटन, इसे कैलकुलेट नहीं दिया हुआ है, 10^-2 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट, तो इसमें आंसर ले लीजिएगा बी इज द करेक्ट।
आपकी चॉइस प्रोजेक्टेड है मैंने कैलकुलेट। इसमें फिर से एक बार लॉजिकली आप समझ गए होंगे कि डाइपोल को मैंने ऐसे करके क्यों रखा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहां पर निगेटिव होगा तभी तो डाउनवर्ड, अगर यहां पॉजिटिव रहेगा तो क्या होता ऊपर कर देता, क्योंकि यहीं पर फील्ड भी ज्यादा और तो ये फोर्स ज्यादा ऊपर, ऐसा नहीं है, इसलिए उसको उल्टा करके रखना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या कहता है, थ्री चार्ज पार्टिकल आर पुलिंग यू, कहता है तीन चार्ज पार्टिकल है, लेट अस सपोज इट इज Q1, इट इज Q2 एंड Q3, थ्री चार्ज पार्टिकल कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर है, एंड आर एट इक्विलिब्रियम, क्या कहता है ये सभी लोग इक्विलिब्रियम पर। क्वेश्चन आप देखिए उसमें दिया हुआ है कि उसमें से ऑप्शंस कहता है ऑल द चार्ज पार्टिकल हैव द सेम पोलैरिटी, मतलब सेम साइन, क्या हो सकता है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कभी नहीं, क्योंकि सभी में रिपल्सन होगा और ये कभी भी इक्विलिब्रियम, ए इज ए रॉन्ग, द इक्विलिब्रियम इज ए इनस्टेबल, इस इक्विलिब्रियम इनस्टेबल तो होगा ही, क्योंकि आप अगर किसी को भी थोड़ा सा मान लीजिए स्टेबल है भी, अगर आप इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कीजिएगा तो पूरा सिस्टम डिस्प्लेस हो जाएगा, ऐसे चार्ज हमेशा आप रखते हैं। तीसरा कहता है ऑल द चार्ज पार्टिकल कैन नॉट हैव द सेम पोलैरिटी, अगर ये इक्विलिब्रियम पर होगा तो सेम पोलैरिटी कभी नहीं हो सकता, तो क्या स्थिति होना चाहिए, सपोज कर लीजिए ये निगेटिव कर दे, ये निगेटिव कर दे, ये पॉजिटिव ले ले, ये निगेटिव ले ले, ये पॉजिटिव ले ले, अब क्या हो जाएगा, मे बी इक्विलिब्रियम, इसको भी ले सकते हैं ये पॉजिटिव, इसको निगेटिव ले सकते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम पर हो सकता है। कैसे इक्विलिब्रियम पर होगा, देखिए ये निगेटिव है तो ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, ये तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अब इसको देखिए ये कैसे होगा, ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, दोनों अपोजिट है, हो सकता है, इस पर देखिए ये निगेटिव है इसको इधर खींचेगा, ये पॉजिटिव है इधर खींचेगा, तो सभी के सभी अपोजिट में लग रहे हैं, तो अगर आप मैग्नीट्यूड को एडजस्ट कर लीजिएगा तो दे विल सर्टेनली बी इक्विलिब्रियम। तो इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, मतलब दोनों की पोलैरिटी अलग अलग सबका होगा और डी चॉइस में बोथ करेक्ट हो जाएगा, ऑल द चार्ज पार्टिकल कैन नॉट हैव द सेम पोलैरिटी, और बी में क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कैसा होगा अनस्टेबल। इसका अनस्टेबल का मतलब समझाइए क्या हो गया, कि अगर हम इसको थोड़ा सा भी इधर कर देंगे तो ये फोर्स का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा और कोई भी फोर्स फिर वापस कहीं पर नहीं आएगा, अगर तीनों के तीनों चार्ज पार्टिकल फिर अपनी जगह पर नहीं आएंगे, अगर ऐसा हो जाए तो वो अनस्टेबल कहलाता है, जो कि ये कंडीशन है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कहलाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन एयर द वैल्यू ऑफ ए टोटल इलेक्ट्रिक पल्स इमिटेड फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक पल्स को कहता क्या होता है, इलेक्ट्रिक पल्स क्या होता है, क्यू इनक्लोजर बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्यू इनक्लोजर 1 है और एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो दैट इज आंसर। इसलिए कौन सा ऑप्शन आप लगा दीजिएगा, मेरे ख्याल से बी इज द करेक्ट आंसर, आप आंसर पर जाइए बी को करेक्ट लगाइए, वेरी सिंपल क्वेश्चन लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, कब आया है 2011 में, क्या कहता है ए स्मॉल अनचार्ज मेटलिक स्फीयर, ये अनचार्ज है मेटलिक स्फीयर है, मेटलिक स्फीयर है, पोजीशन एट ए पॉइंट मिडवे, इन दोनों के बीच में रखा गया है, मतलब ये डिस्टेंस भी अगर डी है तो ये डिस्टेंस भी डी है, एक पॉजिटिव है, ये अनचार्ज है, अनचार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये पोर्शन में क्या आ जाएगा निगेटिव, और ये वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसको ये इधर खींचेगा, ये इधर बीचों बीच है इसलिए इक्विलिब्रियम में आ गया, पहचान गए, ये माइनस इसको इधर खींचेगा, ये प्लस खींचेगा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर और ये दोनों बराबर बराबर, कौन सा चार्ज आ जाएगा इंड्यूस चार्ज आ जाएगा और ये इक्विलिब्रियम में हो गया, यहां तक तो ठीक है। इफ द स्फीयर इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव, कहता है कि इसको अब यहां पर डिस्प्लेस कर दे, यहां पर लेते आए ये वाले को और ये वाला से दूर हो गया, मतलब अब इसकी डिस्टेंस कितना हो गया, और ये ले लीजिए प्लस, ये वाला अब दूर हो गया डी डैश और ये बच गया, मान लीजिए डी ले लीजिए, डी वन ले लीजिए और ये डी टू ले लीजिए, पहले डी डी था अब डी वन डी टू, यहां पर क्या हो गया डी वन स्मॉलर हो गया तो ये फोर्स तो बहुत बड़ा हो जाएगा और ये फोर्स कम हो जाएगा तो ये किधर चला जाएगा, अगर हम इसको एक बार थोड़ा इधर लाएंगे तो ये और आके सट ही जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसे डी का वैल्यू कम होता है इस केस में डी वन इज लेस देन डी टू, रिजल्ट क्या होगा आके इसी तरफ चल जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट विल मूव फर्दर टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, यस इट विल मूव फर्दर टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, आंसर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2011 में ही आया, ये क्या कहता है कि एक बड़ा चार्ज है आपको, दिस इज प्लस क्यू, इसको दो भाग में तोड़ दिया गया है, कौन कौन से भाग में तोड़ दिया गया है, एक में आ गया क्यू माइनस क्यू और दूसरे में आ गया क्यू, दोनों को ऐड कीजिएगा आ जाएगा, तो कहता है कि क्यू का वैल्यू कितना रखा जाए कि फोर्स मैक्सिमम आ जाए, तो फोर्स मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर,
ये दोनों को हमने गुना कर दिया, इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू और क्यू माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, अगर ये डी डिस्टेंस लेते हैं तो डी स्क्वायर हो जाएगा। ये फोर्स मैक्सिमम कब आएगा, अगर इन टर्म को हटा दीजिए तो फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर टू बी मैक्सिमम। फोर्स टू बी मैक्सिमम कब हो जाएगा, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर टू बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमा का क्वेश्चन क्या हो गया कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर विथ डी क्यू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो जाएगा ये क्यू बाहर आ जाएगा और ये बाहर आ गया और ये टू क्यू हो जाएगा इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर क्यू इक्वल टू क्यू बाई टू। मतलब अगर इसको दोनों इक्वल पार्ट में तोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो इसका मतलब दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, छोटा क्यू और बड़ा क्यू का रेशियो क्या हो गया, वन बाई टू। आपको ये पूछना था व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए स्मॉलर क्यू टू द बिगर क्यू, वन बाई टू, मतलब कौन सा चॉइस सही आ गया, बी चॉइस इज द करेक्ट। आप बी पर चले जाइए, ये क्वेश्चन हम आपको नीट के में भी सेट में करा दिए थे इसलिए वहां भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन है 2007। ये क्या कहता है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रेक्टेंगुलर जोन दिया गया है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जा रहा होगा, इस साइड जा रहा होगा। यहां पर आपके चार चार्ज आ रहे हैं, इसमें से एंट्री ले रहे हैं, इस चार्ज का नाम दे रहा है टू चार्ज जो कि निगेटिव है, एक आपके पास आ रहा है पॉजिटिव चार्ज है इसका नाम वन दे रहा है एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज आपके पास यहां से फिर एंट्री लेगा इस साइड आ रहा है, ये प्लस चार्ज है, तीन चार्ज नाम है, एक और चार्ज आ रहा है निगेटिव है और इसका नाम चार्ज आ रहा है, फोर वन टू थ्री फोर। कहता है टू थ्री फोर का आपको किस डायरेक्शन में जाएगा, अप एंड डाउन के हिसाब से बताना है। टू थ्री फोर, टू देखिए ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, ये क्या करेगा पॉजिटिव की तरफ खींचा चला जाएगा, तो ये ऐसे चला जाएगा, तो टू किधर जाएगा, डाउनवर्ड। आसानी से आप समझ लीजिए क्योंकि अट्रैक्शन होगा, ये निगेटिव है पॉजिटिव, ठीक है। थ्री किधर जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो ये अपवर्ड जाएगा, तो थ्री किधर जाएगा अप, और फोर किधर जाएगा, ये निगेटिव और निगेटिव तो ये भी डाउन जाएगा, तो फोर्थ किधर जाएगा, डाउन जाएगा, तो दैट इज। अब वन किधर जाएगा, तो अगर इसे पूछा नहीं लेकिन वन किधर जाएगा तो ये भी आप डाउन दे सकते, हालांकि आपको टू थ्री फोर सेट पर पूछा है, तो आपका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, उसमें सेट में से आप देखिए ए चॉइस को करेक्ट, वेरी सिंपल। यस, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है 2006 से, क्या कहता है कि आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा निगेटिवली चार्ज है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक पर प्लस सिग्मा है दूसरे पर माइनस सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के कारण हो जाएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई टू ए नेट कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ आपके पास, कितना दिया हुआ है 26.4 इंटू 10 द पावर माइनस टू और ये 8.854 इंटू 10 द पावर माइनस 12, इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा आपके पास लगभग 3 न्यूटन के बराबर, 3 न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, मीटर तो नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना आसान सा सवाल है, बल्कि आपका ऑप्शन में कौन सा चला जाएगा, सी ऑप्शन, आप ऑप्शन के हिसाब से चले जाइए, सी ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज है 2005 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया एक बार, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आप जान सकते हैं अंदर कितना होगा, अंदर ठीक ऑप्शन, तो आंसर में यही चूज करना है, सी इज द करेक्ट आंसर। रिपीट तो होता ही रहता है और आप ये भी तो नोट कर ही रहे होंगे साथ साथ ना कि क्वेश्चन एम्स का जो हैवॉक क्रिएट होता है कहाँ होता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कहिएगा नहीं क्वेश्चन में इधर से उधर है तो आपकी ओरिजिनल क्वेश्चन ही तो मैं प्रोजेक्ट करके लगा दे रहा हूं, इसलिए गलत होने का सवाल ही क्या उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हुई, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये कब आया 2004 में, क्या कहता है, एक क्यूबिकल बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर से, क्यूबिकल बॉक्स आप समझ सकते हैं क्यूबिकल बॉक्स का क्या सेटअप हो गया, एट कॉर्नर है, उसमें सभी पर सी एस माइनस है, जितने भी हैं सब पर सी एस माइनस है, जितने भी आठों के कॉर्नर पर चार ऊपर और चार नीचे सभी पर सी एस माइनस है और सेंटर पर क्लोरीन है निगेटिव और सारा पॉजिटिव है, आपके पास सी एस प्लस है, आपके पास फॉर माइनस लिखा गया, सभी सी एस प्लस है और क्लोरीन माइनस होते हैं। अब आपके पूछता है
कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा, तो चारों ओर से सिस्टम के बीचों बीच है, अगर इसको ये इधर खींचेगा तो उसको इधर उधर खींचेगा, ये इसको अगर इधर खींचेगा तो वो इसका इसका मतलब एफ नेट कितना लगेगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि सिस्टम के बीचों बीच है, तो जितना बायां साइड खींचेगा उतना दाहिना, जितना ऊपर उतना नीचे, तो नेट फोर्स जीरो, इसलिए इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, आंसर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है 2003 एम्स के लिए ही है। एक कहता है गॉसियन सरफेस दिया हुआ, ध्यान से देखिए, इसमें एक प्लस क्यू है, अंदर माइनस क्यू है, और बाहर में प्लस क्यू है, एंड दिस इज द गॉसियन सरफेस एस है। आपसे पूछता है फ्लक्स थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी चार्ज थ्रू द सरफेस एस, फ्लक्स कितना होगा, तो चार्ज इंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज चार्ज इंक्लोज्ड, दैट इज जीरो, तो फ्लक्स कितना हो गया जीरो, आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन आया है 2003 में। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके तीनों एपेक्स पर तीन डिफरेंट चार्जेस हैं ऑफ मैग्नीट्यूड सेम, क्यू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दिस इज कॉल्ड ए बी एंड सी, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ए इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू बी सी, फोर्स निकालना है इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, और किस डायरेक्शन में नॉर्मल टू बी सी निकालना है, क्या करेगा चेक कीजिए, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू है, फोर्स किधर लगेगा, इधर, ये प्लस है और प्लस है, फोर्स किधर लगेगा, इधर, दोनों फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड का है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डिस्टेंस भी सेम, इसलिए रिजल्टेंट बाइसेक्टर में चला जाएगा, तो दिस इज द एफ रिजल्टेंट। और आपसे पूछता है फोर्स परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ये तो पैरेलल टू बी सी है, तो परपेंडिकुलर टू बी सी कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एफ रिजल्टेंट परपेंडिकुलर बी सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो कोई चीज पैरेलल है तो उसका नॉर्मल का वैल्यू कितना आएगा, वो तो जीरो होगा, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आइए, क्वेश्चन है 2003 एम्स की क्वेश्चन है। कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू एंड दिस इज द प्लस क्यू, ये उसका डाइपोलिक मोमेंट, इट इज प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा। कहता है कि दिस इज केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, फोर्स लगेगा, दोनों होगा या कोई नहीं, इस तरह की चीज है। आप ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बढ़ते जा रहा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यहां पर E1 ले लीजिए और यहां पर E2 ले लीजिए, इस जगह पर E1 और E2, मान लीजिए E2 इज नॉट इक्वल टू E1, सो दैट E2 इज ए ग्रेटर देन E1, समझ में आ गया, यस। आपके पास ये निगेटिव है, बोलिए फोर्स किधर लगेगा, ये फोर्स F1 किधर लगेगा, क्यू इंटू E1 इस साइड, यहां पर किधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा फोर्स, इसे 2 मान लीजिए, इसे F1 दिए थे, कितना लगेगा, चार्ज तो सेम है लेकिन E2 कौन बड़ा है, E2 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हो गया, F2 इज ग्रेटर देन F1, इसका मतलब नेट फोर्स किधर लग रहा, टुवर्ड्स राइट, तो ये किस साइड मूव करेगा, लीनियर मोशन हो जाएगा, लीनियर मोशन कैसा, यूनिफॉर्म या एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेटेड। नेट फोर्स कितना लगेगा, तो सिंपल है, नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास QE2 माइनस QE1 एफ नेट, हालांकि ये नहीं पूछा है लेकिन हम आपको अपनी तरफ से बता दिए, एफ नेट किधर लगेगा, आगे की तरफ, से लीनियर मोशन हो जाएगा। दूसरी बात, टॉर्क तो लगेगा ही, क्यों लगेगा, कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, R1 क्रॉस F1 एंड R2 क्रॉस F2, तो टॉर्क तो लगेगा ही, तो दोनों यूनिफॉर्म भी रहता तो भी टॉर्क लगता है, और नॉन यूनिफॉर्म है तो भी टॉर्क लगेगा, तो देयर विल बी टॉर्क। अब आपका ऑप्शन में क्या आ जाएगा, यस देयर विल बी ए लीनियर मोशन एज वेल एज ए रोटेशनल मोशन, सो ऑप्शंस में क्या आ जाएगा, ए इज करेक्ट, लीनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ जाइए, 2002 में ये क्वेश्चन आया। क्या कहता है, एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस R1 ले लीजिए एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर विथ 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। Another uncharged sphere of radius 20 centimeter is allowed to touch it for some time. इसे touch करा के हटा देते हैं। मान लीजिए अभी क्या कहता है, ये बात देखिएगा, uncharged है। लेकिन इसके पास जब सटेगा तो क्या हो जाएगा, charged हो जाएगा। तो इसका radius है R2 equal to 20 centimeter। लेकिन ये शुरू में uncharged था, लेकिन इससे सटा तो charged हो गया। मान लीजिए अब इसके पास है Q1 और इसके पास है Q2। तो according to the conservation of energy क्या हो जाएगा, charged हो जाएगा 10 microcoulomb।
ये तो आप समझ गए कैसे हो गया, ये पहले से था 10 माइक्रोकूलम और इसके पास न्यूट्रल था, इसको सटा दिया तो इसका चार्ज कुछ उसमें चला गया। क्यों चला जाएगा? कि जितना पोटेंशियल इसका होना चाहिए, जब सटेगा तो क्या हो जाएगा, इसको सटा दीजिए, मान लीजिए सट गया, तो इसका मतलब पोटेंशियल एट वन मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट टू, तो उस पोटेंशियल को बराबर होने के लिए इसकी चार्ज कुछ उस पर चला गया। माना कि अब नया चार्ज Q1 है और ये Q2 है, तो Q1 Q2 कितना रहेगा, जितना शुरू में था उतना बाद में रहेगा, लेकिन पोटेंशियल दोनों बराबर आ गया, तो इसका पोटेंशियल V1 इक्वल टू V2, V1 का क्या वैल्यू होगा, K चार्ज है Q1 और रेडियस है R1, और यहां हो जाएगा चार्ज है Q2 और रेडियस है, ये दोनों कटेगा, Q1 R1 10 सेंटीमीटर, Q2 R2 20 सेंटीमीटर, ये दोनों कटेगा, इसका मतलब हो गया Q2 इक्वल टू 2 Q1, ये क्वेश्चन निकल गया। लेकिन इसमें एक चीज और भी दिया हुआ है, After that, if the spheres are separated, then the surface charge densities of the sphere in the ratio. अब पूछता है surface charge density क्या होगा? Sigma 1 to the power of sigma 2. ये दोनों का ratio क्या होगा? निकाल लीजिए ratio. Surface charge density मतलब Q1 और surface area कितना? 4 pi R1 square. इसका क्या हो जाएगा? Q2 और surface area क्या हो जाएगा? 4 pi. इस दोनों को divide करेंगे क्या हो जाएगा? Q1 by Q2. ये तो ratio रह जाएगा और R2 square ऊपर हो जाएगा और R1 square. Q2 Q2 by Q1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर Q1 को रहने दीजिए और Q2 के जगह पर 2 Q1 लिख दीजिए, R2 स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, R1 10 इंटू 20, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, Q1 से Q1 कटेगा, ये 2 और ये 2 हो जाएगा और ये 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया 2:1, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी 2:1, तो आंसर आ गया B इज द करेक्ट आंसर। आप B मतलब क्या हुआ, आप समझ ही गए होंगे कि जब आप किसी कंडक्टर वायर से सटाते हैं तो दोनों इक्विपोटेंशियल आ जाता है, मतलब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा लेकिन कंजर्व भी करेगा, कॉन्सेप्ट मेरा एक ही रहता, हम कॉन्सेप्ट से नहीं हट सकते हैं, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक डाइपोल है, आप इस डाइपोल को ध्यान से देखिए, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इसे कहता है पोलर एक्सिस पर एक्सियल मोमेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इधर, और एक कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों का रेशियो क्या आएगा? आपको जब ये ई एक्सियल पढ़ाए थे तो बेसिक फॉर्मूला आपको हम पढ़ाए थे वहां पर 1 4 पाई एप्सिलॉन, दोनों के बीच की धार के पास चार्ज है और इसको 2p था, 2p डिवाइडेड बाई आर क्यू, आर का मतलब क्या होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मान लीजिए यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये आर हो जाएगा, ये उसका सेंटर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर निकालना, पी पॉइंट पर, किसके कारण, गिवन डाइपोल के कारण, कहां से डिस्टेंस ले रहे हैं, आर है सेंटर से, और जब हम इक्विटोरियल पर निकालते हैं तब कितना आ जाता है, ये भी बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू डाइपोल मोमेंट, इसलिए दोनों का जब रेशियो लेते हैं ई एक्सियल डिवाइडेड बाई ई इक्विटोरियल तो दैट इज इक्वल टू 2 बड़ा हो जाता है, तो 2:1 का रेशियो हो जाएगा, मतलब ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस E equatorial. So answer C is the correct. ये तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। Next questions के लिए क्या कहता है, आपके पास क्वेश्चन हैं, एक रिंग है, ये भी मैं नीट वाले में ड्रॉ कर दिया था, बल्कि फॉर्मूलाज में भी ड्रॉ किया था, इसके ऊपर चार्ज है Q, ये कोई पॉइंट है जो एक्सिस से दूर दिया हुआ रिंग के कारण, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द करेक्ट वेरिएशन ऑफ E विथ डिस्टेंस X? Yes. एक्स डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, ये तो मैं बताया था आपको, एक बार फिर से ड्रॉ कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है रिंग के कारण, आपको हमने लिखाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अगर यहां पर हम लोग ये ध्यान दे दें कि एक्स की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो यहां से चलते हैं और ये एक्स की वैल्यू है, तो जब एक्स की वैल्यू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और मैं आपको बताया था कि कुछ दूरी तक जाके मैक्सिमम अटेंड करता और फिर होता है यहाँ से भी मैक्सिमम, और ये आपको याद भी रखना और डिराइव भी हो जाता है कि ये डिस्टेंस x इक्वल टू r डिवाइडेड रूट 2 पर ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो दिस इज द वैलिड आंसर हो जाएगा, इसके मुताबिक आंसर c इज द करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 से लिया गया, स्टेबिलिटी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या फिगर दिया हुआ है, ए कुछ इस तरह के फिगर दिया हुआ है, आपको इधर ध्यान देंगे माइनस क्यू प्लस क्यू है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा पी ई, यहां पर जीरो हो जाएगा,
cos 0 degree equal to 1 minus p. तो ये मोस्ट स्टेबल पोजिशन है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिनिमम है, मोस्ट स्टेबल पोजिशन है. दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डी पोजिशन को चेक कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर इट इज अ पॉजिटिव एंड हियर इट इज अ नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ए और इसमें क्या हो जाएगा, इसे देखिए डाइपोल का डायरेक्शन किधर हो गया, इस साइड हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इस साइड, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री. ये कॉस 180 डिग्री हो गया, कॉस 180 डिग्री मतलब माइनस 1, तो ये प्लस हो जाएगा और ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से एक बार देख लीजिए मिस्टेक है तो क्यों होता है. डाइपोल का डायरेक्शन किधर से होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है दोनों के बीच का एंगल 180, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम. इस केस के लिए क्या हो जाएगा, E का डायरेक्शन भी वही और P का डायरेक्शन भी है, इसलिए थीटा इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव. आपको इसमें पूछा था कि मैक्सिमम किस में होगा, तो A इज द करेक्ट आंसर. बाकी केस में क्या है, ऐसे करके दिया हुआ है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डाइपोल. ये वाला क्या होगा, 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री जीरो कीजिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो से भी कम नेगेटिव है और ये तो कट ज्यादा है, और एक और भी वैल्यू है वो भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाइए. टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग थीन स्फेरिकल सेल्स ए एंड बी, टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग थीन स्फेरिकल सेल्स ए एंड बी, मतलब कंडक्टिंग भी और थीन स्फेरिकल सेल, इसे ए ले लीजिए और इसे बी ले लीजिए. यस करेक्ट है, हैविंग रेडियाई आर ए एंड आर बी, इसे आर ए ले लीजिए, इसे आर बी ले लीजिए, ये भी ठीक है. Having charges QA, इसके ऊपर QA और इसके ऊपर QB, ये भी ठीक है. Such that QB is greater, QB का magnitude है greater than QA, ये भी ठीक है, इसे भी नोट कर लिया. The electric field along a line passing through the center, electric field draw करके दिखाना है कि कैसे electric field होता है. चलिए ठीक है, सबसे पहले ये cell है और ये भी conducting cell है, अंदर में कोई charge नहीं तो अंदर का तो electric field zero होगा. अब आ जाइए यहाँ पर positive charge, आपको मैं बताया था कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो फेसिंग सरफेस पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ए हो जाएगा फेसिंग सरफेस, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना है इस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर, तो फेसिंग चार्ज. लेकिन ये पहले से न्यूट्रल था, इसको अभी न्यूट्रल होना है, तो माइनस क्यू ए से क्या करेगा, उधर चला जाएगा प्लस क्यू ए, मतलब अंदर में माइनस क्यू ए, बाहर में क्यू ए, और उसके बाहर में क्या आ जाएगा, क्यू बी का नेचर क्या है, क्यू बी का नेचर इसमें दिया हुआ निगेटिव है, यहां पर यह निगेटिव है, क्यू बी निगेटिव. अब इसका इफेक्टिव चार्ज कितना हो गया, क्यू ए माइनस ऑफ क्यू बी इफेक्टिव, और ये तो जान रहा है. अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट कीजिए, यहां पर मैं बताता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर यहां से यहां तक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो. उसके बाद यहां से यहां क्या पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से आगे जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां से मैक्सिमम हो जाएगा और यहां पर फिर घटने लगेगा. तो आप यहां पर आ जाइए और इसको आप यहां पर ड्रॉ कर, इसमें क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर रहेगा लेकिन यहां से घटेगा, तो दिस इज द डायरेक्शन, यहां पर क्या है. उसके बाद क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला सरफेस में क्यू ए और क्यू बी में पॉजिटिव है या निगेटिव है, आप चेक कीजिए, क्यू बी इज ग्रेटर देन क्यू ए मैग्नीट्यूड में, तो इसका नेट प्रभाव क्या हो जाएगा, निगेटिव. निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से आएगा, इस साइड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये पॉजिटिव ले लें तो ये निगेटिव हो जाएगा. तो अब आप आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतना ही मैग्नीट्यूड का आ जाएगा क्योंकि सर्फेस पर दोनों बराबर, और ये क्या कर? जैसे जैसे आप दूर जाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पर क्या हो जाएगा, जीरो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब, ऐसा ही इस साइड भी जाएगा, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये वाला क्या आ जाएगा, ई मैक्सिमम, ये डिक्रीज करता है जितना वैल्यू ये रहेगा, मान लीजिए ये ई वन है तो ये माइनस ई वन, और ई एट इंफिनिटी टेंड्स टू जीरो, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन. इसके चॉइस के मुताबिक चॉइस ए इज द करेक्ट. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है AIPMT का, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का. जितने भी AI के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के क्वेश्चन थे 25 साल के, आप ध्यान से देखिएगा, काउंट कर लीजिएगा, इट इज 25 ईयर्स क्वेश्चन. और अगर इतना सारा आपने बना लिया कॉन्फिडेंटली तो क्या आपको लगता है आने वाले एग्जाम में आपसे चुकेंगे, कभी नहीं चुकेंगे. लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए ये कब आया था, 2004 में. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है अलोंग द, ये क्वेश्चन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ठीक है. इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या डायरेक्शन होगा, मान लीजिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. इक्विपोटेंशियल सरफेस
परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक क्यू पोटेंशियल। तो और ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये एक्स हो गया था, ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, एक हो जाएगा वाई और दूसरा क्या हो जाएगा जेड डायरेक्शन। तो वाई जेड डायरेक्शन, वाई इधर मान लीजिए और जेड ऊपर मान लीजिए, ये डायरेक्शन को जेड मान लीजिए और ये डायरेक्शन को वाई मान लीजिए और ये तो एक्स है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी वाई जेड, तो इसके मुताबिक क्या हो जाएगा, प्लेन सरफेस विल बी वाई जेड, चॉइस ए इज द करेक्ट। तो इस तरह से आप डियर स्टूडेंट्स आपने एम्स के सारे क्वेश्चंस को बना डाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक पोर्शन बचा हुआ रह गया है, वो भी एम्स के कैपेसिटर का, तो मैं कल नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ये सीरीज थ्री था, वन टू आपने पहले देख लिया, ये सीरीज तीन है और कल के जो वीडियो में अपलोड होगा वो सीरीज फोर लोड हो जाएगा, उसमें कैपेसिटर हो जाएगा। जैसे ही पूरा ये खत्म हो जाता है उनका फेयर नोट्स बना लीजिए, दो तीन बार रिवाइज कर लीजिए, जितना जल्दी रिवाइज कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, फॉर्मूला को एक जगह लिख लीजिए और कॉन्फिडेंटली एग्जाम दीजिए। इस लेवल तक तो पहुंचेगा ही नहीं, उसके बहुत पहले ही वो क्वेश्चन आके खत्म हो चुका होगा और आप ये एग्जाम में देख चुके होंगे। इसके बाद का मैं अगला जो नोट करूंगा वो मैं आपको बताते रहूँगा। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।